गणेश उत्सव का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। ये पर्व पूरी तरह से भगवान गणेश को समर्पित है। सभी भक्तगण सच्चे श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा कर उनको लोग भोग लगाते हैं। इन दिनों सभी लोग अमीर हो या फिर गरीब एक समान होते हैं। गणपति जी के सामने कोई भी अमीर अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक बार धन कुबेर ने भी अपना अमीरी का घमंड दिखाया था, जिसे गणपति जी ने तोड़ा था। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा की जानकारी देने वाले हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं उस बारे में। एक बार की बात है, जब कुबेर को अपने धन धान पर बहुत ज्यादा अहंकार हो गया। उसने सोचा कि उसके पास तीनों लोकों में सबसे ज्यादा संपत्ति है, क्यों ना एक बार भव्य भोज का आयोजन करके अपना वैभव दिखाया जाए। कुबेर ने सभी देवी देवताओं को इस महाभोज में आमंत्रित किया। जब वो भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पहुंचे, तो उन्हें परिवार सहित आने का आमंत्रण दे दिया। भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो समझ गए कि कुबेर को अपनी धन पर घमंड हो गया है और उन्हें सही राह दिखानी बहुत जरूरी है। शिव ने कुबेर से कहा कि वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उनका पुत्र गणेश जरूर भोज में जाएगा। कुबेर खुश होकर चले गए। महाभोज वाला दिन आ गया। कुबेर ने दुनिया भर के पकवान सोने चांदी के थाले में परोस के रख दिए। सभी देवी देवता पेट भरकर खाकर उठ गए। कुबेर ने गुणवान करते हुए उन्हें विदा किया। तब श्री गणेश वहां पहुंचे। कुबेर ने उन्हें विराजित किया और खाना परोसने लगे। गणपति जी अच्छे से जानते थे कि कुबेर का घमंड कैसे दूर करना है। वो खाते ही जा रहे थे। धीरे धीरे कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, पर गणेश जी का पेट तो भरा ही नहीं था। कुबेर ने गणेश जी के फिर से भोजन की व्यवस्था की। क्षण भर में वो भी खत्म हो गया। गणेश जी की भूख से पागल हो गए थे और वो कुबेर के महल की चीजों को भी खाने लगे थे। कुबेर घबरा गए और उनका अहंकार भी खत्म होने लगा। वो अच्छे से समझ गए थे कि धन के देवता होने के बाद भी आने वाले अतिथि का पेट तक नहीं भर सकते। कुबेर देवता गणेश जी के चरणों में पड़ गए और अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। गणेश जी ने अब अपनी लीला खत्म की और उन्हें माफ करके सद्बुद्धि का वरदान दिया। तो इस तरह से गणेश जी ने भगवान कुबेर का भी घमंड तोड़ दिया था। इसीलिए कभी भी इंसान को किसी भी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।